नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। विद्यालय, विद्यालय वह स्थान है जिसको विद्या का मंदिर कहा जाता है, जहाँ बच्चे या बड़े या बुजुर्ग ज्ञान की भाषा सीखते हैं और उसी ज्ञान पर चलकर जीवन का निर्वहन करते हैं, जीवन का गुण सीखते हैं। जी हाँ, आज मैं पहुँचा हूँ जनता बाजार में, जनता बाजार श्री ढोंडनाथ उच्च विद्यालय लालातपुर। यह श्री ढोंडनाथ उच्च विद्यालय लालातपुर का प्रांगण है। बिहार में दारू बंद है और वहाँ विद्यालय के परिसर में नई नई दारू का मिलना व्यक्ति को अचंभित कर देता है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? यही विद्यालय है जिसने देश को कई IPS BPS अफसर दिए और आज यही विद्यालय अपने बदहाली का रोना रो रहा है। किसी कोई व्यक्ति इसको पूछने वाला नहीं है। यह इस तरह से बदहाल है कि इसको देखना भी अच्छा नहीं लगता। यह किसी तरह से आनन फानन में विधायक के द्वारा यह बाउंड्री कराई जा रही है, लेकिन इसके अगल बगल की जो चीज़ें, अगल बगल की जो गंदगी आप देखेंगे, यह दर्शाता है कि वह विद्यालय में रहने वाले, इस विद्यालय में पढ़ाने वाले वह शिक्षक किस तरह से पढ़े हैं, पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं। क्या आपको यह दृश्य विद्यालय का दिखाई दे रहा है? चारों तरफ गंदगी का अंबार खड़ा है। क्या बच्चे इसमें नहीं आते? क्या यह शिष्टाचार में स्कूल नहीं चलता? क्या शिक्षकों में वो शिष्टाचार नहीं रहा कि विद्यालय को बच्चों से सफाई करा सकें या वहाँ एक शांत, एक मनोरम, एक पढ़ाई का माहौल दे सकें? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके जिम्मेवार कौन है? शिक्षक, शिक्षा समिति, विधायक, नेता, आम ग्रामीण जनता या वे लोग जिन्होंने अपने आँखों में सपने लिए, अपने लाखों करोड़ों की संपत्ति सरकार के नाम को दान कर दिया कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ इस विद्यालय में पढ़कर देश का नाम रोशन करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे? क्या उनका त्याग यही काम ला रहा है कि बाहर से आने वाले शिक्षक इस विद्यालय को लूटते जा रहे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि एक जो खड़ा किया हुआ नींव है, उस नींव को सही तरह से बरकरार रखा जाए? क्या इसमें कोई ऐसी योजनाएं नहीं होती कि सुंदर इसको दिखाया जा सके? यह सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस शिक्षा व्यवस्था पर कि वो कैसा शिक्षक है जिस घर में, जिसका जो विद्यालय उसको रोजी रोटी देता है, जो विद्यालय विद्या का मंदिर है, उस मंदिर का यह दशा और दिशा करना, क्या उसको शर्म नहीं आती? क्या उसको लज्जा नहीं आती? विद्यालय संचालन के लिए, विद्यालय चलाने के लिए बहुत सारे समितियों का गठन होता है, कमेटियों का गठन होता है, उसमें आम ग्रामीण जनता भी सदस्य रहती हैं। क्या इसकी मीटिंग नहीं होती? विधायक भी, विधायक किसके अधीन होते हैं, क्या उनको नज़र में ये नहीं आता? मीटिंग होती है तो क्या इस पर सवाल नहीं उठता? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ श्री ढोंडनाथ उच्च विद्यालय लहलादपुर का यह दृश्य। देख करके रोंगटे आपके खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू निकल आएंगे। मैंने इसी में पढ़ाए, अपने गुरु की भी बात मैं बता रहा हूँ। एक बार हमने अपने गुरु से मिला तो उन्होंने और कुछ मुझसे कहा नहीं, मैंने उनका पांव छूकर नमन किया तो रोने लगे और बताए कि यही विद्यालय है जिसमें तुम लोग पढ़ा करते थे और क्या सिस्टम था और कितनी सुंदरता थी इस विद्यालय में, फूल लगे हुए होते थे। लेकिन आज कैसे कैसे टीचर इस विद्यालय में आ गए, उनको न सुध है विद्यालय की, न घर की, न बच्चों की। उनके बातों में सच्चाई थी, उनके बातों में वास्तविकता थी। मैं वह बात सुनकर झंकृत सा हो गया और वह गुरुजी रोने से लगे। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दर्द हुआ। तब मैं यह विद्यालय में सुबह के समय प्रहार में निकला था कि चलो देखूं क्या स्थिति है। इस स्थिति को देखकर हमारे
मन को बड़ा ही दुख पहुंचा। अब मैं देखता हूं कि यहां 7 बजे से परीक्षा शुरू होनी थी। यह ढोरनाथ उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज का प्रांगण है। यहां छात्राएं आ चुकी हैं लेकिन शिक्षक का कोई पता नहीं, और गंदगी की तो आप बात ही न करें तो बेहतर होगा। शिक्षा का मंदिर विद्यालय कहा जाता था, या विद्यालय है भी, लेकिन किसके कारण? शिक्षक अच्छे नहीं होने के कारण, या शिक्षक में वो सृजनशीलता नहीं होने के कारण इतनी गंदगी फैली हुई है। क्या वास्तव में यही विद्या का मंदिर है? अगर ऐसा विद्या का मंदिर है तो बेकार है। धन्यवाद।